Wells, welcome back. I'm a surgeon and professor from Superior Institute of Chinese Martial Arts Pakistan. आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर किसी भी बैड सिचुएशन में आप फंस जाते हैं या रिंग के अंदर आप साइड किक विद स्टेप को कैसे यूज करेंगे विद कॉम्बिनेशन और अपने सामने वाले अपोनेंट को डॉज करते हुए किस तरह इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पंच का अटैक करना है जिसके अंदर आप फेस के ऊपर पंच करते हैं। पंच की वीडियो पहले बन चुकी है, आपको हम सिखा चुके हैं पंच कैसे करना है कैसे बनाना है। इसके साथ आप डाउन शॉट खेलेंगे, ये भी हम पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं और उसके बाद साइड किक विद स्टेप ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको सिखा देते हैं कि आपके सामने वाले के फेस पे पंच को खेलना है। अगर तो हिट हो जाता है डेफिनेट आपने टारगेट अचीव कर लिया, अगर हिट नहीं होता ब्लॉक कर लिया जाता है या फुटवर्क से वो अपने आप से करता है तो आप पंच के बाद फौरन से नीचे डाउन शॉट खेलेंगे लोअर पे और यहीं से आप साइड किक विद स्टेप प्रॉपर अपने टारगेट पे खेल लेते हो। ठीक है, आप फेस पर भी खेल सकते हैं और नीचे लोअर भी। 1, 2, 3 and 4 बहुत ही सिंपल इजी और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। दूसरे एंगल से आपको दिखा देते हैं। 1, 2, 3 and 4 सेम एस यहां से 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4 बहुत ही इफेक्टिव है। प्रैक्टिस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।